हेलो दोस्तों, आज हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 9 का सेकेंड लेग सेमीफाइनल था। बेंगलुरु एफसी बनाम मुंबई सिटी एफसी। तो दोस्तों, ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इम्पोर्टेंट था फाइनल में जाने के लिए। तो दोस्तों, एग्रीगेट स्कोर से 1-0 से आगे थी बेंगलुरु एफसी सुनील छेत्री के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल गोल के जरिए। तो दोस्तों, सेकेंड लेग शुरू होते ही हार्वी हर्नांडिस 1-0 कर देते हैं इस मैच में 22वें मिनट में, और एग्रीगेट स्कोर हो जाता है बेंगलुरु एफसी 2 मुंबई सिटी एफसी 0। और उसके बाद मुंबई सिटी एफसी लगातार बिल्डअप फुटबॉल खेलना शुरू करती है, और इसी के कारण 30वें मिनट में बिपिन सिंह एक शानदार 30 मिनट में इक्वलाइजर करते हैं मुंबई सिटी एफसी के लिए। और हाफ टाइम के बाद सेकेंड हाफ में 66 मिनट में एक शानदार हेडर के जरिए महताब सिंह 2-2 की एग्रीगेट स्कोर कर देते हैं, और इसी के कारण मैच जाता है पेनल्टीज में। और 8-8 के बराबरी के बाद लास्ट में मुंबई सिटी एफसी के डिफेंडर महताब सिंह पेनल्टी सेव करवा देते हैं, और उसके बाद लास्ट पेनल्टी लेने जाते हैं बेंगलुरु एफसी के लिए संदेश छिंगन, और उस पेनल्टी से संदेश छिंगन बिना किसी भूल के स्कोर कर देते हैं, और बेंगलुरु एफसी आईएसएल 2022 इसके फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, बेंगलुरु एफसी ने शानदार वापसी किया है। तो आप सभी का क्या राय है इस मैच को लेकर, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।